आरो गुस्सा दिखा रहा है। मीनू नहीं, मीनू नहीं। मीनू क्या कर रहे हो? ये सामने 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 क्या है? और ये देखो वीनू के हाल, कपड़े नहीं चेंज करवा रहा, देखना नीचे इसने कुछ नहीं पहना था डायपर के अलावा। वो देखो रो रहा है। ये देखो, ये है वो रिटर्न गिफ्ट में, देखना क्या है। अरे वाह, पैकिंग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सभी? और आज की शुरुआत हमारी मॉर्निंग से है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, स्वेटर हमारे उतर चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हो। और इतना अच्छा मौसम रहता है मॉर्निंग में सुबह 6 बजे कि मन करता है यार छत पर बैठो और योगा करो और सुकून से बैठे रहो। तो आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल डिश, बहुत टाइम बाद बना रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ मैं। तो मैं बना रही हूँ इडली। ये इडली का बैटर है, इन्हों मैंने डाल दिया है। और ये बनी है चटनी, और ये है मेरे खांचे, सांचे जो भी बोलते हैं ये इडली। तो ये इजी मेथड है, कुकर में इसको रखो और सीटी लगा दो। ये रेडी हो चुकी है मेरी इडली। ये दिखाती हूँ, एक आलसी है तो सुबह सो के उठते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और फिर लेटे रहते हैं। और ब्रेकफास्ट बन चुका है, मैं बोल रही हूँ नहा लो, व्यान उठ जाएगा, जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाओ, फिर लेट हो जाता है ऑफिस के। लेट क्या होता है, खुद से लेट होते हैं लोग। तो अब देखो कहाँ लेटे हैं ये लोग, ये लेटे हुए हैं, ये देखो फोन पे फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट हो चुका है लैपटॉप में, नहा लो। गाइस अब व्यान उठ चुका है, मतलब उठ तो बहुत देर पहले गया था, ब्रेकफास्ट ब्रुकफास्ट कराया, इसको आर्यन ऑफिस चले गए, अब व्यान का हो गया नहीं ना टाइम। बोलते सबको हाय कर दो, कितनी शर्म आ रही है इसको। तो मैंने आपको बताया था गाइस कि आज हमें बर्थडे पार्टी में जाना है, तो गिफ्ट लेकर आया है आर्यन, मैं भी गई थी थोड़ी देर के लिए, तो हमें कुछ पसंद आया तो व्यान को छोड़ के गए थे दादी के पास। तो देखते हैं कैसा लगता है, आपको बताना। तो ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, और ये आज हम देंगे, ओपन नहीं किया है, पैकिंग खोल दी थी बेटा मैंने, पैकिंग खोली इसलिए क्योंकि घर पे सबको दिखाना था ना कि हम क्या लेकर आए हैं। ये है छोटा सा, तो ये है, वो एक साल की हुई है, मतलब एक साल का ही उसका फर्स्ट बर्थडे, तो उसके लिए छोटा सा गिफ्ट यही सही लगा था। और तो उसके लायक कुछ था नहीं कि जो वो खेलने में, तो ये सिस्टम है ना, ये चलते हुए जब चलता है हाथी तो इसके अंदर के पार्ट्स घूमते हुए दिखते हैं, तो वो बहुत देखने में अच्छा लगता है। कौन से वाले पार्ट्स दिखाना? वैसे ये सेल से डलता है, इसमें लिखा है पुल स्ट्रिप टू स्टार्ट। ये जो पार्ट्स हैं, जब ये आगे पीछे चलता है और यहाँ से इसकी रोप एक रस्सी दे रखी है खींचने के लिए, मुझे लगता है कि उसको पसंद आएगा। हाँ, ये घूमते हैं सारे पार्ट्स, और ये भी चक्री जो ऊपर बनी हुई है ये भी घूमती है, और ये भी चलते होंगे टायर्स। हाँ, टोटल ये इस टाइप का है। हाँ, मैं इसे ओपन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें दोबारा से मुझे पैकिंग करनी है अभी। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप लोग भी ये ले सकते हो दिखा के कि इस टाइप से। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉयज़ के हिसाब, ये गर्ल थी तो गर्ल के हिसाब से हमने एलिफेंट लिया, डॉल थी नहीं इसमें, पर बॉयज़ के लिए इसमें गाड़ी, ट्रक, बहुत मतलब बहुत वैरायटीज़ है इसमें। इसको पता नहीं कुछ बोल रहा था वो कि कौन सा गिफ्ट बोलते हैं, उस गिफ्ट का नाम बोल रहा था वो हमें याद नहीं। तो अभी हेयर कट भी नहीं कराया क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिलता है हेयर कट कराने का, ऑफिस से आते हैं, और फिर अब लंच टाइम पर आया है खा के, और फिर दोबारा से ऑफिस का टाइम हो गया है। तो तुम कितना बजे आओगे सर? मैं कटिंग करवाते हुए आऊँगा ऑफिस से। पैकिंग अच्छे से करना, बिल्कुल वो सरबट्स ना पड़े। तो मिलते हैं आपको बर्थडे में और सुंदर से बन। ट्राई चल रही है बर्थडे में जाने की तैयारी और प्रेस हो रही है यहाँ पे, और ये वीनू घूम रहा है गिफ्ट के पास, ये वाइपर उठा के घूमता है। ये वाला ब्लॉग तो आपको आज ही देखने को मिलेगा, और कल एक स्पेशल तो मैं ना। तो हम आ गए हैं बर्थडे में, और ये वही एरिया है जहाँ पे व्यान का हमने किया था सेलिब्रेशन में, सी हट गया इसका, लिब्रेशन हो गया आरू। ये देखिए सेलिब्रेशन, व्यान की यादें ताजा, सोफे भी चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो हम आ गए हैं बर्थडे में, और अभी लोग आए नहीं है, ये बिजी हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। और वीनू अपने बर्थडे में बहुत परेशान था, जो हो रहा था तबीयत ठीक नहीं थी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कर रहा है ये।
ये देखो अपने बर्थडे में तो इसका रो रो के बुरा हाल था, और आज इसको वही ड्रेस पहना के लाए हैं जो इसने बर्थडे में पहनी थी। विनू लटक मत जाना, ये हिल रहा है। जिसका बर्थडे है बयान की फ्रेंड का, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि फर्स्ट बर्थडे में बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। वो भी बेचारी रो रो के बुरा हाल हो रहा है उसका भी बयान की तरह। विनू को मजा आ रहा है, आ जाओ पापा के पास, आ जाओ मम्मा आ रही है, आ जाओ। टुकुर 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 टुकुर, अपने बर्थडे में तो चल नहीं रहा था। टुकुर 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 टुकुर, कहाँ गए थे आप? क्या बैलून? बैलून तो बेटा यहाँ लगे हुए हैं, आप कहाँ गए थे? वो मम्मा भी आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा बेबी से मिल के आ गई। विनू का फ्रेंड का है। बुबू के पास चलो। आपका फ्रेंड देखो, हेलो कर दो। हेलो करो। तबियत ठीक है? सोकट क्या है ये? बहुत चिढ़ने लगा से बजाता है। अभियान कर रहा है गुस्सा। अभियान कैसे कर रहे थे गुस्सा निकाल। मीनू नहीं, मीनू नहीं मीनू क्या कर रहे हो? सामने 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 बेटा, यस सामने सामने। और पापा खो चुके हैं, पापा कर रहे हैं, एक पापा यहाँ पे है। और अब हम चलते हैं और अब हम जा रहे हैं घर, और हमारा हो गया एंजॉय। अब पापा मम्मी पीछे आ रहे हैं, पापा मम्मी पीछे आ रहे हैं, और विनू ने भी ले लिया बलून। के सेलिब्रेशन के लिए कुछ लेने आई हूँ मैं, व्यान को दादी के पास छोड़ दिया है। देखते हैं क्या लेते हैं, इनको क्या पसंद आता है। छोटा सा केक ले जाएंगे, वही कल तो सेलिब्रेट। क्या लेना आप देख लो। तो गाइज हम आ गए हैं अब घर, और विनू इतना रोता है ना जब कपड़े चेंज करता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने भी हमको एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट दिया है। सब बच्चों को मिला है, विनू को दिया है मतलब। और उसको हम खोल के देखते हैं क्या है। और ये देखो विनू के हाल, कपड़े नहीं चेंज करवा रहा, देखना नीचे इसने कुछ नहीं पहना था डायपर के अलावा। वो देखो रो रहा है, ये देखो ये है वो रिटर्न गिफ्ट में, देखना क्या है। अरे वाह, पैकिंग दो छोटी छोटी, ये कितनी पुरानी है, ये पहले आती थी। कितना सुंदर सुंदर ये रिटर्न गिफ्ट मिला है छोटा सा। ओ खुश हो गया विनू। ओ कम कम कम, ये विनू की मम्मा। और अब हम निन्नी करेंगे, और निन्नी करेंगे, और कल आपको सरप्राइज देंगे। कल कुछ है स्पेशल जो आप, तो कल हमारा एक और व्लॉग आएगा और कुछ स्पेशल है, वो रात 12 बजे से हम सेलिब्रेट करेंगे। और हम दोनों में से ये किसी का कुछ सरप्राइज होता, आप समझ गए होंगे। अभी मैंने मेकअप ही नहीं उतारा है, तो व्यान को आपने देख लिया होगा कि परेशान बहुत करता है। अब गिफ्ट दे दिए हैं तो उससे शांति से बैठा।